नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शुक्ला स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आपको एलोपेशिया एरेटा है और आप सभी तरह के इलाज ले चुके हैं, स्टेरॉइड्स भी ले चुके हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है या ठीक होने के बाद फिर वापस हो जाता है, तो आज आपके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि एलोपेशिया एरेटा के लिए आजकल एक नई दवाई आई है जिनको हम कहते हैं जैक इनहिबिटर्स, और ये दवाई बहुत कारगर सिद्ध हुई है। इससे बहुत से लोग ठीक हो गए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको यहीं पे बहुत क्लियर कर दूं, ये दवाई केवल एलोपेशिया एरेटा के लिए है। जो दूसरी तरह के एलोपेशिया होते हैं, जो साधारण एलोपेशिया होते हैं जिनमें दूसरी तरह कारणों से बाल उड़ते हैं, उनके लिए नहीं है। एलोपेशिया एरेटा एक ऑटोइम्यून डिजीज है, उसकी दवाई आई है ये। एलोपेशिया एरेटा में अभी जो हम दवाइयाँ देते हैं वो मेनली स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स को हम लगाने के क्रीम के रूप में भी दे सकते हैं, उनके इंजेक्शन भी लगा सकते हैं उसी बॉल्ड पैच के ऊपर, या जब पैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं या रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तब हम खाने के लिए भी स्टेरॉइड्स देते हैं। लेकिन वो लंबे समय तक देने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स उनके पैदा हो जाते हैं। अब जो दवाइयाँ आई हैं वो स्टेरॉइड्स से बिल्कुल अलग हैं और उनमें स्टेरॉइड्स वाले साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इनको हम उन लोगों को देते हैं कि जिन पे या तो स्टेरॉइड्स का कोई असर नहीं हो पा रहा है या स्टेरॉइड्स लंबे समय से ले रहे हैं और स्टेरॉइड्स के काफ़ी साइड इफेक्ट्स हो गए हैं। ये दवाइयाँ बड़ी स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, बहुत खास दवाइयाँ हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पर असर करती हैं। इसलिए इनको केवल डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में और कुछ जांच करवाने के बाद ही दे सकते हैं। जैक इनहिबिटर्स में कई सारी दवाइयां आती हैं, लेकिन अभी जो दो दवाइयां इस एलोपेशिया एरेटा के लिए जो कारगर सिद्ध हुई हैं वो है एक तो टोफासिटिनिब और दूसरी है बैरिसिटिनिब। टोफासिटिनिब की दवाई खाने की भी आती है और लगाने की भी आती है। तो जिन लोगों में कुछ एक दो पैचेज हैं, हो सकता है लगाने वाली दवाई से अकेले से फायदा हो जाए तो खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैरिसिटिनिब जो है वो केवल खाने की दवाई अभी उपलब्ध है। ये दवाइयाँ अभी इंडिया में महंगी हैं। टोफासिटिनिब की एक गोली 10 रुपये की आती है और बैरिसिटिनिब की एक गोली 50 रुपये की आती है, लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे ये कीमत इनकी कम होती चली जाएगी। ये दवाइयाँ 3-4 महीने तक देनी पड़ती हैं और कुछ लोगों में हो सकता है इसकी ज़रूरत साल भर तक पड़ जाए। ये दवाइयाँ बहुत खास हैं, ये डायरेक्टली इम्यून सिस्टम पर असर करती हैं, इसलिए इन दवाइयों को देने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि आपकी बॉडी में किसी तरह कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे कि कोई टीबी, एचआईवी, हेपेटाइटिस या और कोई दूसरा इन्फेक्शन। और इसके साथ ही हमें ये भी देखना पड़ता है कि कोई दूसरी बीमारी भी नहीं है आपको, कोई लंग्स की बीमारी, कोई किडनी की बीमारी या कोई हार्ट की बीमारी या लिवर की बीमारी। इन सब के बारे में पहले डॉक्टर आपकी जाँच करेंगे और उसके बाद कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ये दवाइयाँ चालू होंगी, उससे पहले नहीं दे सकते। अब ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।